आने वाले महीने पे जो है दो तारीख को 2 मार्च से विधानसभा चुनाव। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो घेराव का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से और मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामायण सिंह जी पटेल की अनुमति से 2 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ भोपाल बुलाया गया है। चूँकि सरकार के नाम पर भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, सड़क, किसान, बेरोज़गार, शिक्षित सब मध्य प्रदेश में परेशान हैं, और अगर कोई खुश है तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष। इसके सिवा जनता बहुत त्रस्त है, कभी महंगाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, बेरोज़गारी को लेके, सड़कों को लेके, बिजली की स्थिति, राजधानी में स्थिति यह है कि आज भी 15 से 17 दिन हो गए एक इलाके में बिजली नहीं है। इससे पहले 10-10 दिन जहांगीराबाद, शाहजहाँबाद में बिजली नहीं थी। लोग मीटर निकालते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में पूरी DP उखाड़ के ले गए, तो इससे शर्मनाक, शर्म का विषय नहीं हो सकता। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों से मैं आपसे विनती करता हूं कि 2 तारीख को भोपाल की राजधानी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल जी का हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम सरकार को उखाड़ फेंकने में हमें आसानी हो। संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सब शामिल रहेंगे। फ्रंटल जो हमारे यहाँ प्रकोष्ठ है, सारे अध्यक्ष, उनके जो है, सारे जिले के लोग शामिल रहेंगे।